हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज जो हम टॉपिक ऑफ द डे डिस्कस कर रहे हैं वो है इसरो। तो इसरो के बारे में ऑब्वियसली आप लोग काफ़ी कुछ जानते होंगे, बट इसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर मैं आ जाई हूँ आपके सामने। सो काफ़ी शॉर्ट नोट्स हैं, वीडियो भी काफ़ी शॉर्ट होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से उठाएँ अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। सो इसरो के फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, राइट? फिर हम आगे चलेंगे। सो इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंडिया की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेस रिसर्च करती है, स्पेस में जो भी चीज़ें हैं उन पे रिसर्च करती है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। इसरो है क्या? नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया, इंडिया की अपनी नेशनल लेवल की एजेंसी जो स्पेस पर रिसर्च करती है, ठीक है। नाउ नेशनल स्पेस एजेंसी होता क्या है, तो वो हल्का सा यहाँ पे डिस्क्राइब किया है मैंने। गवर्नमेंट एजेंसीज एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू आउटर स्पेस एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस को एक्सप्लोर करना है कि हमारा जो आउटर स्पेस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों के एक्सप्लोरेशन में, रिसर्च में, जो भी एक्टिविटीज़ हैं इन सब में जो एंगेज रहती हैं एजेंसीज, उनको बोलते हैं नेशनल स्पेस एजेंसीज। नेशनल मतलब किसी पर्टिकुलर नेशन की, ठीक है। हेडक्वार्टर्स की बात करें, बेंगलुरु कर्नाटका में हेडक्वार्टर्स हैं इसरो के, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, स्पेस डिपार्टमेंट के अंडर आता है। वन ऑफ द सिक्स गवर्नमेंट एजेंसीज इन द वर्ल्ड विच पोजेसेस फुल लॉन्च कैपेबिलिटीज़। सो दुनिया में जो 6 गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनमें से एक है इसरो, जिनके पास पूरी तरह से, प्रॉपर तरह से लॉन्च करने की कैपेबिलिटीज़ हैं। लॉन्चिंग जो भी एक्सेसरीज चाहिए या जो भी सामान हो, वो सब कुछ, हर एक फैसिलिटी इनके पास है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी। तो 15 अगस्त 1969 में ये बना था। प्रीसीडिंग एजेंसी मतलब कि इसरो से पहले क्या इसका नाम कुछ और था, या इसकी पेरेंट एजेंसी आप कह सकते हैं। तो पहले इन कॉस्पर करके आप याद रख सकते हैं, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। सो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, ठीक है, जिसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है। इसरो से पहले इसका नाम ये था, सेटअप बाय डॉक्टर विक्रम साराभाई इन 1962। जो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे उन्होंने 1962 में इसको एस्टेब्लिश किया था। किसको? इन कॉस्पर को, विच स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। लेकिन बाद में 1969 में इसका नाम चेंज हुआ, तो अब हम 1962 पढ़ते भी नहीं है ना, हम क्या पढ़ते हैं 1969। बट एक्चुअल में इसका नाम क्या था, इसकी मतलब इससे पहले इसका नाम इनकॉस्पर था, 1962 में बना था, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने बनाया था, ठीक है। नाउ चेयरमैन कौन है? तो वैसे के सिवान जो है इसके पहले चेयरमैन, पहले नहीं मतलब इससे पहले फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे, मतलब काफ़ी न्यूज़ आती थी उनसे रिलेटेड। बट प्रेजेंटली जो चेयरमैन है इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, वो हैं श्रीधर सोमनाथ सिंस 2022 से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, ठीक है। मेजर रॉकेट लॉन्च साइट्स इन इंडिया, इंडिया में वो साइट्स जहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है, ठीक है, रॉकेट के थ्रू सैटेलाइट जो है वो उनकी ऑर्बिट में छोड़ा जाता है। तो अब रॉकेट लॉन्च करने की साइट्स इंडिया में कितनी हैं? 3 है मेन। कौन कौन सी? पहली है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, थिरुवनंतपुरम, थुम्बा, केरला। इसे जो है थुम्बा स्पेस सेंटर भी बोलते हैं, बट क्वेश्चन विक्रम साराभाई करके आता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब विक्रम साराभाई ने एक्चुअल में फॉर्म किया है इसको, है ना। सो ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, राइट। 1963 में ये बना था, थुम्बा वाला जो आपका लॉन्च सेट, रॉकेट लॉन्च साइट है। सेकेंड आता है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, 1969 में बना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी करंट अफेयर हो स्पेस से रिलेटेड, कहाँ से लॉन्च हुआ इसका नाम रहता ही है वहाँ पे, ठीक है। थर्ड है डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, ओडिशा, ऑल्सो कॉल्ड व्हीलर आइलैंड ओडिशा। तो व्हीलर आइलैंड करके हम इसको ज़्यादा जानते हैं। तो आपने याद रखना है थुम्बा स्पेस सेंटर, जिसे विक्रम साराभाई सेंटर कहते हैं, थिरुवनंतपुरम केरला, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, एंड डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा, जिसे कि व्हीलर आइलैंड भी कहते हैं। ये तीनों जो हैं रॉकेट लॉन्च साइट्स हैं इंडिया की। अब आगे चलते हैं, अब हम जानेंगे वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट लॉन्च साइट। पूरी दुनिया की पहली ऐसी साइट जहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है, कौन है वो साइट? दी बैकुनर कॉस्मोड्रॉन इन कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान की हमने आज करंट अफेयर भी पढ़ा था कि फाइट चेस चैंपियनशिप वहाँ पे होगी अस्ताना में। सो कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, एंड कजाकिस्तान इज़ अ कंट्री सिचुएटेड इन सेंट्रल एशिया,
ठीक है, अपने मैप पे देखें जो हाँ जहाँ पे आपने मैप लगाया या एटलस के थ्रू। सो क्वेश्चन आपका था कि पूरी दुनिया की पहली रॉकेट लॉन्च करने वाली साइट कहाँ पे थी? कजाकिस्तान में, जिसका नाम था द बैकोनूर कॉस्मोड्रोम। द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट स्पुटनिक वाज आल्सो लॉन्च्ड इन 1957 फ्रॉम दिस सैटेलाइट। पूरी दुनिया का जो पहला सैटेलाइट है, मतलब सैटेलाइट समझते ना आप, आर्टिफिशियल हो गया हमारा, नेचुरल हो गया, जैसे हमारा मून इस तरह करके, पता ही होगा आपको। तो स्पुतनिक जो है, स्पुतनिक ये पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वर्ल्ड का, जो कि लॉन्च किया गया था 1957 में कजाकिस्तान की इस रॉकेट लॉन्च साइट से। ठीक है, नाउ इसरो ने बनाया था इंडिया का पहला सैटेलाइट, जिसका नाम था आर्यभट्ट। तो अब जो चीज़ें मुझे यहाँ इंपॉर्टेंट लगी, ठीक है, इसके अलावा हमारा एक टॉपिक इसमें बचता है लॉन्च व्हीकल्स का, कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं, बट वो इसरो के अंडर नहीं आता, वो सैटेलाइट वो अलग चीज़ होती है, तो उसे भी मैं फिर कभी डिस्कस करूँगी टॉपिक ऑफ द डे में। फिलहाल मेरा टारगेट ये है कि जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वो डिस्कस हो जाएँ, फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत रहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं भी हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, फॉर्मेशन 1969, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई। राइट, तीन रॉकेट लॉन्च साइट्स हैं, तीनों हमने पढ़ ली। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। चलिए, नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर परचेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहें तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट एंड सी यू सून।